नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ। आपने कई बार देखा होगा जब हम मार्केट में जाते हैं तो साइड में कई ऐसी दुकानें होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में खोखा बोलते हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीज़ें बोलते होंगे, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में खोखा ही बोलते हैं। जैसे पान का खोखा, छोटी मोटी टॉफ़ीज़ को लेके भी लोग बैठे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस तरह की दुकानों से लेकर बड़ी दुकान तक कितने बजट में आप इस तरह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बजट आपके लिए फिट बैठ सकता है। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोज़ आपको बिज़नेस से रिलेटेड और देखने हैं। इसके अलावा कोई भी फीडबैक हो तो आप हमेशा आपका स्वागत है फीडबैक्स के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हमें और सीखने की, हमें और अच्छा करने की, ये हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि किस तरह से किस बजट में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो लोग किराने का बिजनेस करना चाहते हैं या जिनके पास महज 10,000 से 1,00,000 तक की पूंजी है, उनके लिए वीडियो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि निवेश और शुरुआत के दिनों के हिसाब से आप जानेंगे किराना की दुकान वर्सेस घुमटी। सबसे पहले जान लेते हैं कि घुमटी किसे कहते हैं। लकड़ी या टिन की अस्थायी दुकान, जिसे अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी उठाकर लगाया जा सकता है, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि खोखा। अपनी पसंद की कोई भी ऐसी लोकेशन जहां आपको लगता है कि आपकी ग्राहकी अधिक होगी, आप लोकेशन का चयन कर लकड़ी या टिन की अस्थायी दुकान खोल सकते हैं। इसे अधिकतर रेलवे ट्रैक के आसपास, हाईवे पर या ऐसी जगह जहां बड़ी दुकानें उपलब्ध नहीं है, वहां खोल सकते हैं। दुकान जहां पर लोग रहते हैं, बस्ती है या फिर दफ्तर है, ऐसी जगह पर खोली जाती है। घुमटी, इसे आप अपनी मनचाही लोकेशन जहां आपकी शॉप फ्रंट पर हो खोल सकते हैं। दुकान बस्ती के हिसाब से खोली जाती है, जो कभी कभार अंदर भी पड़ सकती है। दुकान में आपको थोड़ी अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी, जबकि घुमटी यानी खोखे में आपको एकदम कम निवेश करना होगा। घुमटी, इसे खोलने के लिए कम से कम 10,000 रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। घुमटी बनवाई आपको 5,000 रुपए तक में पड़ सकती है। टोटल लागत की बात की जाए तो आपकी घुमटी 10,000 से 60,000 में पूरी तरह से भर जाएगी, जिसमें आप अपने आने वाले कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामान भर सकते हैं। दुकान आपकी अपनी दुकान है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप दुकान किराए पर लेकर काम शुरू करते हैं तो आपको सामान के साथ दुकान का किराया भी देना पड़ेगा। छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए कम से कम 50,000 रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। किराया अलग से देना होगा, दुकान का किराया एरिया के हिसाब से देना पड़ता है। टोटल लागत की बात करें तो 1,00,000 से 5,00,000 तक में आप अपनी दुकान को आवश्यक सामग्री से भर सकते हैं। घुमटी, इसमें पान मसाला, खैनी, हाजमोला, इनो, स्नैक्स, पानी की बोतल, बच्चों के लिए चटर मटर, जलजीरा, मैगी, च्युइंगम, मिल्क, फेविक्विक, मच्छर भगाने का कॉयल आदि ऐसे आइटम्स जो सफर के दौरान या रोजमर्रा में बहुत आवश्यक है, उन्हें रखना चाहिए। आजकल तो लोग मिनी फ्रिज भी रखते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आदि चीजें आ सकें, जिससे हाईवे पर चलने वाले उनसे सामान ले सकें। दुकान में वो हर आवश्यक वस्तु हैं जो किचन से लेकर होम फर्निशिंग में काम आती हैं, उन्हें रखना चाहिए। इसमें अनाज, घी, तेल, मच्छर भगाने का कॉयल, सुई से लेकर झाड़ू तक आदि हो सकता है। घुमटी दुकान, मार्जिन की बात की जाए तो दोनों का प्रॉफिट एक जैसा ही है, 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्जिन में बहुत अधिक फर्क है। हालांकि जब आप अधिक पैसा लगाकर अच्छा खासा सामान अपनी शॉप पर भरकर बिजनेस करते हैं तो आपको अधिक ग्राहक मिलते हैं, जो कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आपसे जुड़ जाते हैं। घुमटी से कुछ ही कैटेगरी के लोग जुड़ते हैं, जैसे सफर करने वाले, पान मसाला खाने वाले, चाय की शॉप पर चर्चा करने वाले, बच्चे आदि। तो देखा, ये था बिजनेस आइडिया कि किस तरह से आप अपने बजट के अनुरूप अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी आप बड़ी दुकान खोल सकते हैं, छोटे से स्टार्ट कीजिए, जाते 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 लंबा हो जाएगा बिजनेस। तो इस तरह से आप बस हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए अपने पास। हिम्मत किसी पैसे से नहीं आती और हिम्मत के लिए कोई बजट नहीं चाहिए। हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपका बिजनेस जरूर एस्टेब्लिश होगा। हम सब की जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं। और हाँ, जब भी आपका बिज़नेस शुरू हो जाए प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिएगा, हम भी आपके तरफ से पार्टी कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के जरिए किसी और नए बिजनेस आइडिया के साथ। बाय। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।